कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। इस लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को काफी हद तक बढ़ा दिया है। दरअसल बेगूसराय में बीजेपी MLC रजनीश कुमार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर बिहार से बाहर फंसे मजदूरों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पश्चिम जिला के एक कोल्ड स्टोरेज में काफी दिनों से फंसे हुए हैं। उनके पास बेगूसराय अपने घर वापसी का कोई साधन नहीं है। अगर हम लोग को खाना नहीं मिलता है, काम बंद हो गया, बोलता है खाना फाड़ के नहीं देंगे। हम लोग को खाना नहीं मिलता है, हम फंसे लोग हैं सब, सब यहाँ फंसे हुए हैं। तेईस तारीख को स्टोर लोड हो गया। 4-5 रोज हम बिना अन्न पानी को यहाँ पर हम जीवित रह रहे हैं। किस तरह हम यहाँ पर जिएंगे? नहीं मालिक है, नहीं कोई है यहाँ पर, नहीं राशन पानी, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए कर हमको कोई इसी स्टोर में काम कर रहे हैं, हम इसी स्टोर में काम किए हैं। स्टोर लोड हो गया, इसलिए कर हमको स्टोर में काम कर रहे हैं। अमला सुलीम हम हैं, मालिक की किलो खाना गनो बोलो। आज कई फोन आया है हेल्पलाइन नंबर पर और मेरे नंबर पर भी, और उसमें से एक खास एक वीडियो मेरे पास भी आया है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पश्चिम जिला से। वहाँ एक जगह है अमला सोली, गढ़वीता, अमला गोरी, ग्वालटोल थाना के अंतर्गत, और वहाँ उस इलाके में लगभग 40 से 50 कोल्ड स्टोर है। और वहाँ अपने बेगूसराय के लगभग 1000 से अधिक लेबर वहाँ काम करते हैं, और उन लोगों ने एक वीडियो भेजा है और बाद में भी कई वीडियो वहाँ से आया है। और उसमें कहा गया है कि ये सारे लोग, लगभग 1000 लोग जो मजदूर वहाँ काम करने वाले थे, सब काम ठप हो गया है और ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज मालिक के द्वारा इनके खाने पीने का, इनके दवा का और बाकी व्यवस्था जो है आवश्यक वो नहीं किया जा रहा है, यह सूचना वहाँ से आई है। और कई जगह से आया, छत्तीसगढ़ से आया है, असम से, गुवाहाटी से आया है, लेकिन ये खास है कि यहाँ 1000 मजदूर हैं और वो बिल्कुल खाना पानी और जो दवा की जो व्यवस्था है वो नहीं होने के कारण पूरी तरह से वहाँ परेशान हैं। और उन्होंने कहा है, उन्होंने कुछ नंबर भी भेजा है हमें जो वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से रामलखन यादव, वो करनी माता कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले शिवनंदन पासवान, राय मोती कोल्ड स्टोरेज से मनोज कुमार शाह, भगवती कोल्ड स्टोरेज से रंजीत यादव, मोहम्मद इसराइल आदि ने सब बताया है फोन करके कि वहाँ उनके साथ बड़ी दिक्कत हो रही है। हमने इसके लिए तुरंत अपने जिला पदाधिकारी बेगूसराय से भी बात किया, सारी सूचना उनको दिया है। हमने मिदनापुर पश्चिम के वहाँ जिला पदाधिकारी हैं, महिला हैं, उनसे भी बात की, उनको भी सारा डिटेल भेजा है। और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी जो सचिवालय है वहाँ पर भेजा है सारा डिटेल। बिहार के जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं, बिहार निवास में बैठे हुए हैं, उन तक भी हमने सारी जानकारी भेजी है। और वहाँ प्रयास चल रहा है कि उन लोगों तक खाना पानी और बाकी व्यवस्था पहुँचाया जा सके। कोल्ड स्टोरेज में फंसे लगभग 1000 से ज्यादा मजदूरों ने प्रशासन से अपने घर वापसी के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। बता दें कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ के IBP में 20 मजदूर और असम गुवाहाटी के नुनमाटी रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर लगभग 400 मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिली है। इन सभी सूचनाओं को लेकर विधान पार्षद रजनीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ साथ बेगूसराय DM और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पश्चिम जिला के DM से बात कर राहत पहुंचाने और घर वापसी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। पंजाब केसरी TV के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।